सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बहुत लापरवाह है। आपको और शाही खानदान को कत्ल करने का। पाशा, पाशा, उस्मान पाशा। सुल्तान मौसम, उम्मीद करता हूं कि आपकी हुकूमत की बदौलत पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। गाजी उस्मान पाशा हमें छोड़ गए। हम आपको एक और मौका देंगे, आप पारवुस को हमारे पास लाएंगे। तौफीक पाशा को जब हम सजा देंगे तो वो अच्छी तरह जान जाएंगे कि हमें धोखा देने वाला कभी हमारे चुंगल से बच नहीं सकता। आपका ख्याल है कि बुरसा के महल में रहना आपके लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा? जी हाँ। यकीन नहीं आ रहा महमूद, ये कैसे हो सकता है? हमारे बेटे दुश्मनों के साथ मिलकर अपने अबाओ अजदाद से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? सिनेहा, सिनेहा, अल्लाह के वास्ते दुखी मत हो। जनाब पारवुस, उसने बात क्यों नहीं की? ऐसा लगता है वो कुछ जानता है मेरे सुल्तान। दरवाजा खोलो। मेरे सुल्तान, तहसीन पाशा, फुरकान अफंदी जुरान महल में हमारे सबसे बाएतमाद फर्द हैं। माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, मैं नहीं जानता था कि जिसने बात नहीं की वो फुरकान अफंदी है। सिपाहियों ने तफ्तीश की थी। सुल्तान मौजम, जो बात मैं जानता हूँ वो किसी और को नहीं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। मुराद अफंदी को महल से कैसे ले जाया गया जानते हैं कुछ आप? बदकिस्मती से मेरे सुल्तान, मैं उस वक्त उस्मान पाशा की तदफीन में था। तो फिर आप हमें क्या बताना चाहते हैं फरजंद? सुल्तान मौजम, उस्मान पाशा ने मुराद अफंदी से मुलाकात की थी और जब वो बाहर आए तो परेशान लग रहे थे वो। क्या आपसे कुछ कहा था उस्मान पाशा ने? जी मेरे सुल्तान। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपके कत्ल की मंसूबाबंदी की गई है। लगता है मुराद अफंदी ने उस्मान पाशा को वो खबर हम तक पहुंचाने के लिए कहा था। सब जानने के बाद भी मुराद अफंदी महल से क्यों गए मैं समझा नहीं। हम समझ चुके हैं पाशा, समझ गए हैं हम। आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, ये जगह हम लुका को दे रहे हैं। हम कैसे मान लें जनाब, मुझे माफ कीजिएगा, हमें लुका का खौफ है।
हम आपसे हथियार लेंगे और आप लुका से मुआहिदा करेंगे। इन मजदूरों का कोई कसूर नहीं, अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो मारे जाते। हथियार ले लो। अगर किसी लड़ाई झगड़े के बगैर ये जगह देना चाहते हो तो जा सकते हो। ये पेशकश फरीदों के लिए है। मतलब कि लुका अभी भी यही सोचता है कि मैं उसके साथ मिल जाऊंगा। आखिर भाई है तुम्हारा। फरीदो, तुम ताकत के गुलाम हो मेरे भाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और अब मैं ताकतवर हूं। अगर तुम चाहो तो मैं सबको काम दे सकता हूं। लुका रुक जाओ। तुम में से फहीम पाशा का जानशीन कौन है? मैं हूं। दस्तखत करो। रुक जाओ, पहले तुम मेरी इताअत करोगे। हाथ चूमो मेरा। लुका, हम दस्तखत करके चले जाएंगे, देर मत करो। अगर ज्यादा जल्दी है तो तुम चूम लो, आगे बढ़ो। अल्लाह करे तुम्हारे हाथ चूमने वाले ज्यादा हो जाए। तुम लोग अजीम हो, शानदार हो। मेरी सुल्ताना, आप इन संदूकों से कुछ और लेना चाहेंगी? नहीं, जब हम चले जाएंगे तो इन संदूकों को बुरसा महल भिजवा दीजिएगा। जो आपका हुक्म। तमाम सामान ले लिया? यकीनन हिजाज से मुकद्दस जाने के लिए बहुत बेचैन होगी। अल्लाह कबूल फरमाए। आपको कुछ कहना है? अगर आप सुल्तान की तकरीब तक यहाँ नहीं रुकना चाहती तो फिर बेदरी फलक खातून के महल में आने का वक्त बिल्कुल मुनासिब है। हम यहाँ ये देखने आए हैं कि इस कमरे में कुछ रहता तो नहीं है और हमें क्या इंतजाम करने हैं। हम अभी गए नहीं हैं, अभी हम यही हैं। बेदरी फलक सुल्तान के लिए कोई और कमरा तैयार करवाइए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना गुस्सा क्यों हैं। हमने सोचा कि यह कमरा मुनासिब रहेगा क्योंकि यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा है। हमारे कमरे से चली जाएं।
अभी निकल जाइए हमारे कमरे से। जब हम यहाँ से चले जाएं, तो फिर आप ये कमरा बेदरी फलक सुल्तान को दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही करेंगे हम। ये बताइए हमें, ये पत्थर इतना कीमती क्यों है? सुल्ताने मौसम, ये तस्बीह का पत्थर है। इस पत्थर की खासियत है कि ये हवा लगने से सख्त हो जाता है। वजन कम है लेकिन मजबूत है। ये अर्ज़े रूम से निकाला जाता है और इसकी तस्बीह बनती है। लेकिन ये कीमती इस वजह से नहीं है जो आपने बताया है अफंदी। ये इसलिए कीमती है कि इसके दानों पर जिन अल्फाज का जिक्र मुबारक किया जाता है वो अनमोल होते हैं। दर्सगाहों से फारिग तहसील होने वाले तुलबा को हम ये तस्बीह एक यादगार तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। उन्हें उनकी कामयाबी पर एक ऐसा तोहफा देना चाहते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लें और मसाइब में सब्र का मुजाहरा करें। क्या ये आप बड़ी तादाद में बना सकते हैं आफंदी? बिल्कुल सुल्तान मौसम। आफरीन आफरीन, आपकी तस्बीह और महारत दोनों बेहतरीन है। इंशाल्लाह हम आपके नाम और आपकी बनाई हुई तस्बीह को दुनिया भर में फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, फुआद पाशा मुलाकात के मुंतजिर हैं। बुलाइए। सुल्तान मुअज्जम, कहिए पाशा। हरारती निजाम कायम करने के लिए दो कमरे हरम के माबैन बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी मशीन वजीर आतारी में भी लगाई जाएगी। आपके हुक्म के मुताबिक काम शुरू कर दिया गया है। तहसीन पाशा, क्या इदारे की जांच पड़ताल कर ली गई अच्छी तरह से? मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, इस इदारे ने बाबे आली के लिए भी निजाम तैयार किया था। मैंने भी तहकीकात की है, फिक्र की कोई बात नहीं। या अल्लाह, हमारी यहां से निकलने में मदद फरमा। आमीन। इन्होंने हमें क्यों हवा किया है? आखिर क्या चाहते हैं हमसे? कहां से आ रहे हो तुम? बाहर से। बाहर से कहां से? देखो सबातीन, मुझसे टाल मटोल मत करो। उस पारवुस नामी आदमी के साथ मिलकर तुम जरूर कुछ कर रहे हो, ये वाजे है। बेटा, इन गैर मुस्लिमों पर कभी भरोसा मत करना। इनके दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये एतमाद के काबिल नहीं है। फिक्र मत कीजिए आप, मुझे नसीहत की जरूरत नहीं है।
मैं अपना ख्याल खुद रखने के काबिल हो चुका हूँ। सबातीन, मुझे भी लगता था कि हमारे सुल्तान बुरे इंसान हैं। मैं भी उनके खिलाफ था, लेकिन बिलाखिर मेरी आंखें खुल गईं। हमारे सुल्तान दिन रात मिल्लत की भलाई के लिए कोशिशें करते हैं, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन वो घटिया लोग, वो सारे गद्दार, वो गैर मुस्लिम सुल्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। काम को जारी रखने के लिए उन्हें कुछ इकदाम करने पड़े हैं। तुम अपने मामू के ऐसे ही कुछ इंतहाई जरूरी इकदाम की वजह से नाराज हो उनसे, ये तुम्हारी गलती है। असल में जिन लोगों से नाराज होना चाहिए वो गैर मुस्लिम है सबाहतीन, वो गद्दार जो तुम्हारे मामू को ऐसे इकदाम करने पर मजबूर कर देते हैं। सबाहतीन बेटा, एक बाप की हैसियत से समझा रहा हूं, तुम गलत का साथ दे रहे हो। दरअसल आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं सबाहतीन, अगर तुमने उन लोगों का साथ न छोड़ा और उनकी घटिया चालों में शामिल होने से गुरेज न किया तो तारीख तुम्हें गद्दार के नाम से याद करेगी। यकीनन तारीख मुझे याद रखेगी, लेकिन गद्दार के तौर पर नहीं, इनकलाब परस्त के नाम से। बहुत जल्द देखेंगे कि आपकी औलाद कितनी काबिल हो चुकी है, आपकी सोच से भी ज्यादा। शायद अब मुझे चलना चाहिए। क्या आप सुल्तान को तख्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? काफी अरसा गुजार लिया उन्होंने तख्त पर, अब वो उसके काबिल नहीं रहे। अगर आपने उन्हें जरा भी नुकसान पहुंचाया या शाही खानदान के किसी भी कत्ल में आपका नाम सामने आया या आप मुनव्विस हुए तो आपको कभी माफ नहीं करेंगे सबाहतीन। आप यहाँ 600 साल से हुक्मरानी करने वाले शाही खानदान के चश्मो चिराग हैं। आंखें खोलिए। सब कुछ बदल गया, ये भी बदल जाएगा। माँ का बड़ा हक होता है बेटे, जन्नत उसके कदमों में है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अगर चाहती हो कि तुम्हारे शौहर को पता ना चले तो मुझे रकम चाहिए। कितनी और कहां ये मैं बाद में बताऊंगी। अंदान, आप ठीक हैं? परेशान लग रही है हमें। ठीक है, हम बेफिक्र रहे हैं आप। अच्छी बात है, आप ठीक रहेंगी तो बच्चा भी ठीक रहेगा। कहिए पाशा। सुल्तान मौसम, बदकिस्मती से तौफीक पाशा। क्या हुआ तौफीक पाशा को? मेरे सुल्तान, हमारे सिपाही पारवूस को पकड़ने में नाकाम रहे, तौफीक पाशा को गोली लगी है। उनकी तबीयत कैसी है पाशा? उन्हें अस्पताल ले गए, अब वो बेहतर हैं। तौफीक पाशा एक जवान आदमी है, लेकिन अब उन्हें पाशा के ओहदे से हटाना पड़ेगा। जिला वतनी का क्या होगा मेरे सुल्तान? तौफीक पाशा को गद्दारी करने पर दिल से पशेमानी नहीं थी, जब वो सेहतियाब हो जाएंगे तो उन्हें जिला वतन कर दिया जाएगा। जैसा आप मुनासिब समझें। आपके हुक्म के मुताबिक महल में आतिशदान की तंसीब का काम शुरू कर दिया गया है। तो चलिए फिर चल कर देखते हैं। बैठिए। क्या मैंने जो सुना वो सच है? हम अब्दुल हमीद और उसके खानदान को कत्ल करने के इतने करीब आ चुके थे, फिर बर्तानिया ने ऐसा फैसला क्यों किया? उनका फैसला दुरुस्त है, बर्तानिया की सियासत इन सब चीजों से आम है, फिक्र मत करो। अब्दुल हमीद के कत्ल के बाद
सब कुछ ठीक हो जाएगा क्रोली आफंदी। और अगर आप कत्ल से पहले ही पकड़े गए तो फिर क्या होगा? इसलिए आपको बुलाया है। आप मंसूबे से वाकिफ हैं। अगर मैं ना रहा तो आप ये मंसूबा पूरा करेंगे। अब आप जाएं और वक्त आने तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें। ये हमारे मंसूबे के लिए बहुत जरूरी है। महल में किसी को भी आप पर शक नहीं होना चाहिए। जानते हैं ना कब सामने आना है? सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेह याब रहे। अल्लाह आपके बाजुओं को ताकत बख्शे। शुक्रिया मेरे सुल्तान। ये मशीन इस जगह के रंग और साथ के इतबार से बहुत मुनासिब है। तरक्की का मतलब ये नहीं कि चीजों के जमालियाती पहलू को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए। कोशिश कीजिए कि हर नई चीज ऐसी हो जो हमारी तहजीब और रिवायात से मुताबिकत रखे। ये कैसे काम करती है अफंदी? सुल्ताने मौज़म, इस मशीन के दो हिस्से नीचे लगे हैं। जब नीचे वाले हिस्सों में पानी गर्म होता है तो इस जगह गर्म हवा फेंकता है। यकीनन मशीनों में दबाव काफी ज्यादा होगा। जी मेरे सुल्तान। आफरीन। उस्मान पाशा कैसे हैं? उनका इंतकाल हो गया। किसने मारा उन्हें? किसी ने नहीं, तबाही मौत हुई है। पिछली बार जब हम मिले थे तो वो बिल्कुल सेहतमंद थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। वो अब्दुल हमीद के सामने अचानक गिर पड़े। करीब आइए। आपको मुझ पर एतमाद है? बिल्कुल मेरे सुल्तान। मैं आपकी कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ। आप एक वसीउ नजर, दूरंदेश और एक ऐसे इंसान हैं जो मगरिब जैसी आजादी का ख्वाहिशमंद है। मुझे आप पर भरोसा है मामू जान। और अब्दुल हमीद खान के दुश्मन हैं आप? जी बिल्कुल दुश्मन हूं। आप खानदान के किस फर्द को सरबरा के तौर पर देखते हैं? आपको मेरे सुल्तान। तो फिर आप अब्दुल हमीद को इस जगह का बताइए और पारवोस को पकड़ने में उनकी मदद कीजिए। ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर अब्दुल हमीद बच गया तो इतने सालों से जो मैंने मेहनत की है वो सब जाया हो जाएगी। और इस पूरी जंग में आप कभी नहीं जीत पाएंगे। जीत सिर्फ पारवोस की ही होगी। कत्ल सिर्फ सुल्तान का नहीं होगा बल्कि हमारे जद उस्मान गाजी की बहादुरी को, जुर्रत को, फयाजी को, फातह सुल्तान महमद की फुतुहात को, यावुस सुल्तान सलीम की बहादुरी को, कानूनी सुल्तान सुलेमान के इंसाफ को और हमारी कौम के मुस्तकबिल को भी कत्ल कर दिया जाएगा। आप 600 साल से इंसाफ और अमन की रखवाली करने वाले खानदान के चश्मो चिराग हैं। आप यहाँ 600 साल से हुक्मरानी करने वाले शाही खानदान के चश्मो चिराग हैं। अगर आपने इनसे गद्दारी की तो मतलब पूरी इंसानियत से गद्दारी की। और अगर आपने वो किया जो हमने आपको बताया है तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। आप अब तक यही हैं? हम तो समझे थे आप मिस्ली मलिक को लेने गए होंगे। भाई हमने उन्हें नहीं भेजा, खुद गई हैं, खुद आ जाएंगी। मोहब्बत में कोई अना नहीं होती अब्दुल कादिर। ये अना नहीं है भाई, अलैहदगी का फैसला उन्होंने किया है। और ऐसा उन्होंने आपकी वजह से कहा। आपको याद नहीं आती उनकी? अभी आपके पास मौका है। आप दोनों एक हो सकते हैं।
हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कभी कभी आप चाहते हुए भी अपने महबूब से नहीं मिल पाते अब्दुल कादिर। देर हो जाए उससे पहले उन्हें ले आइए, जाइए। पता नहीं वो हमारे साथ आएंगी या नहीं। अल्लाह का वास्ता हमें यहां से बाहर निकाले। क्या चाहते हो हमसे? कितनी बदतमीज हैं आप। जो कुछ कर रही हैं वो बंद कर दे। ना करें तो क्या कर लेंगी? ऐसा कब तक करेंगी? हमें धमका रही हैं आप कि हकीकत क्या है आप सबको बता देंगी? हम जानते हैं कि ये आपने लिखा है। ये हमने नहीं लिखा। हम पहले ही जानते थे कि आप इस बात से इनकार करेंगी और हमें आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। चाहे आप यकीन करें या ना करें, ये खत हमने नहीं लिखा है। और कौन लिखेगा ये खत? आपके अलावा कोई नहीं लिख सकता। शायद किसी और को भी आपके झूठ के बारे में इल्म हो। ये खत इन्होंने नहीं लिखा, मैं गवाह हूँ। चोर तो चोर का ही साथ देगा। तुम हो कौन जो तुम्हारी बात का यकीन करें? हम आप दोनों को बर्बाद कर देंगे और हमें धमकाने का अंजाम क्या होगा बहुत जल्द देखेंगी आप। आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? हम उस खानदान को जानते हैं जिसे ये बच्चा खरीद रही है। जब तक सच साबित नहीं कर देते हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। सही वक्त आने पर मेहमत सलीम समेत सबको इनका मकरूह चेहरा दिखा देंगे। एफसुन खातून, क्या वाकई आपने वो खत नहीं लिखा? नहीं, हम भी हैरान हैं कि आखिर किसने लिखा होगा। तुम्हारी वजह से बहुत अमीर हो जाऊंगी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे ये दिन भी दिखा दिया। सबहद्दीन, मेरा बेटा अपनी जान पर खेलकर हुकूमत की खिदमत कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? मुझे सजाए मौत तो नहीं होगी ना? नहीं मेरे बेटे, सजा कैसी? सजा क्यों? तुम जो खबर लाए हो वो सुनने के बाद तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा मेरे बेटे। बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत से एजाजात मिलेंगे। क्या वाकई? हाँ मेरे बेटे हाँ, हत्ता कि तुम्हें जो मकाम मिलेगा वो मेरे मकाम से भी बढ़कर होगा। तुम क्या ख्वाब देख रहे हो मेरे बेटे? अभी कुछ अर्सा पहले सुल्तान ने तुम्हारी जान बख्शी है, तुम बाल बाल बचे हो, इसलिए तुम किसी काम में मुदाखलत मत करना। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम बेटा? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। मुझसे जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारा दिफा करूँगा। अब चलो, लायक बाप के ना लायक बेटे, चलो चलो। आ जाएं सुल्तान मुअज्जम, आ जाओ। आइए पाशा, आइए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। तुम यहीं रुको। खुशामदीद पाशा, तुम कैसे हो फरजंद? ठीक हूँ मेरे सुल्तान। चुप चुप हो जाओ, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बेटे सबहद्दीन ने एक नागवार हरकत की है, लेकिन वो आखिर मेरा बेटा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद के मामले में इंसान बहुत बेबस और लाचार हो जाता है। मेरे सुल्तान चुप। सुल्तान मौसम, आपका प्यारा भांजा सबहद्दीन नाफंदी, जो कि मेरा बेटा और आपकी बहन का लाडला बेटा है, सबहद्दीन नाफंदी यानी। असल बात पे आइए पाशा। पहले तो मैं ये बता दूं मेरे सुल्तान, क्या आप जो भी सजा देंगे एक बाप की हैसियत से मुझे कबूल है, लेकिन ये नाखलफ। मेरे सुल्तान, मैं जानता हूं कि मामू मुराद अफंदी कहां है और पारवुस भी। सुल्तान मौजम, मैं कुछ नहीं जानता था, मगर वो पारवुस सबहद्दीन से मिला, पारवुस ने सबहद्दीन को वरगलाया और ये सबहद्दीन भी बेवकूफों की तरह उसकी बातों में। महमूद पाशा, इन बातों का ये वक्त नहीं है। तहसीन पाशा, फौरन फहीम पाशा और मैयत अफंदी को बुलाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब बताओ सबहद्दीन अफंदी के हमारे भाई कहां हैं? पाशा क्या हुआ, खैरियत तो है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं?
रियासत के दुश्मनों को पकड़ने का वक्त आ गया बादशाह। याद रखें, महल में जब कोई गैर मामूली हरकत हो तो आप इन ताइफ के हिस्सों को जोड़ेंगे, उसके बाद कत्लेआम शुरू हो जाएगा। आप खुद छुपे रहेंगे और काम आपके लोग करेंगे। तमाम तहाइफ जमा करो। मेरे सुल्तान, वो आपको और पूरे शाही खानदान को कत्ल करना चाहता है, लेकिन कब और कैसे इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम ये नहीं जानते, लेकिन हमारे भाई मुराद अफंदी जानते हैं। उस्मान पाशा को उन्होंने बताया था, लेकिन उस्मान पाशा हमें बताने से पहले फौत हो गए। मगर हमारे भाई मुराद अफंदी जब महल आएंगे तो हम सब जान जाएंगे कि पारवुस का मंसूबा क्या है। हमें बस तुम ये बताओ कि हमारे भाई और पारवुस कहाँ हैं। इलेना का पता चला क्या? पता किया है पाशा, वो ठीक है। उसके माँ बाप तो बच गए ना मैयत अफंदी? आपने बचा लिया पाशा, पूरा मंसूबा इलेना के वालदैन को बचाने के लिए था। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उस मंसूबे की वजह से लूका को लगा कि उसने सब लोगों को खरीद लिया है। जीत हमेशा हक की होती है। लूका की लाश का क्या बना? हमारे पास है पाशा। पाशा, आपको महल तलब किया गया है और मैयत अफंदी आपको भी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ अपने बाबा के बारे में मालूम करने आए हैं नाइमे। कोई खबर होती तो पता चल जाता, आप बिला वजह आई हैं। नाइमे, हम कहीं नहीं रह सकते, हमें घर में सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे दीवारें काट रही हैं। भूल जाइए जो माजी में हुआ। नाइमे, आप हमारी बहन थी, राजदार थी और बहुत अच्छी दोस्त भी। हमारे लिए तकलीफ दे है कि अब हम दुश्मनों की तरह हैं। आप हमारी दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे लिए कुछ भी नहीं, आप नफरत के लायक भी नहीं हैं। सुल्तान-ए-मौज़म, जैसा मैंने आपको बताया, मंसूबे पे ठीक से अमल दरामद हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूँ और इस पे यकीन भी कर लिया। हमने पारवुस के आदमी को मार दिया है, अब पाया तख्त में सुकून होगा सुल्तान-ए-मौज़म। और अब पारवुस की बारी है। क्या हमारे पास उसका पता है? हम जानते हैं, तफसील दर्ज है इस पर। फहीम पाशा, आप पारवुस को लेकर आएंगे और मैयत अफंदी तुम मुराद अफंदी को लाओगे। कमालुद्दीन पाशा भी तुम्हारे हमरा होंगे। दोनों आदाब हसास हैं, बहुत मोहतात रहना होगा, गलती की गुंजाइश नहीं। जहमत मत कीजिए, आराम करना बेहतर होगा। हमारे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं आपको। हाथ दीजिए हमें अपना, हम खुद चल सकते हैं, सहारे की जरूरत नहीं हमें। आप ठीक नहीं हैं, हमने तबीबा से बात की थी, आप माँ बनने वाली हैं। Thank you.
सैयद अफंदी, उस्मान और कमालुद्दीन, आप तीनों हदफ जानते हैं। हसास मामला है, हमारे साबिक सुल्तान को कुछ नहीं होना चाहिए। सिपाहियों को साथ ले जाइए, खामोशी से काम निपटाइए। हमने लूका को कत्ल करके पार्वस को घेर लिया है और अब उसको कत्ल करने का वक्त आ गया है। हमारा तोहफा कहाँ है? बग्गी में पाशा। तो फिर चलो देखते हैं। क्या तुम इन तमाम हिस्सों को जोड़ सकते हो? जी पाशा, मुझे ये काम करने का तजुर्बा है, इन्हें जोड़ लूंगा मैं। कोई हिस्सा गायब तो नहीं? दो टुकड़े गायब हैं, वो मिल जाएं तो ये पूरे हो जाएंगे। फिर हम इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो फिर ये बम तैयार हो जाएगा। को लेने आए हैं। कौन है आप लोग? अब्दुल हमीद खान के वफादार खादिम। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, सुल्तान मौसम आपके मुंतजर है। चलिए। आ जाए। लुका, मेरे अजीज, मैंने इसे मार डाला। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई और तोहफा लाना चाहता था लेकिन जल्दी में बस यही ला सका। लेकिन फिक्र मत करो, हमारे सुल्तान ने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा शानदार तोहफा भेजा है। हथकड़ी। हमें जल्दी करना होगा ये काम। वो मरने वाला है, मुस्तकबिल हमारा है। पाशा, में समझा छापा पड़ गया है। बम तैयार है? तकरीबन तैयार है, बस कुछ देर में मुकम्मल हो जाएगा। अब्दुल हमीद जब तक कमरे में ना आ जाए तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। जब मुझे मालूम होगा कि वो कमरे में है तब तुम मेरे साथ जाओगे, उसी वक्त हमारा काम मुकम्मल होगा। जैसे आपका हुक्म पाशा। फरजंद, हमें फौरन सुल्तान अब्दुल हमीद के पास ले चलिए। फिक्र मत करें, हम यल्देस ही जा रहे हैं। और तेज चलो फरजंद, और तेज। तेज चलाओ, और तेज। क्या सुल्तान मौसम अंदर है? जी हाँ पाशा, लेकिन थोड़े मसरूफ हैं। उम्मीद है कुछ वक्त लगेगा, कहें तो इत्तिला दे दूं। जी नहीं, रहने दीजिए पाशा। मुराद अफंदी सुल्तान मौसम से फौरन मिलना चाहते हैं। तशरीफ लाइए। सुल्तान मुराद यहाँ क्या कर रहे हैं? मामला खराब लग रहा है, इनके यहाँ होते हुए धमाका नहीं कर सकते, हमारा सारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। भाईजान, अल्लाह का शुक्र है कि पार्वस अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। किस तरह के मंसूबे में?
हमने उस्मान पाशा के जरिए पैगाम भेजा था आपको, लेकिन जाहिर है वो आप तक नहीं पहुंचा सके। जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमने पारवुस के सामने शराइत रखी और उसने कत्ल का मंसूबा हमें एक लिफाफे में भेजा और हमने उस्मान पाशा को बता दिया। वो आपको यही बताना चाहते थे, पारवुस आपके कत्ल के लिए आखिरी हरबा आजमाने वाला था। कौन सा हरबा? वो रेलवे में काम करने वालों को एक तोहफे के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग भेजेगा। जब इन्हें जमा किया जाएगा तो ये खतरनाक बम बन जाएगा। जब हमें अपने कत्ल की साजिश का इल्म हुआ तो हमने फौरन ही इसके सत्ते बाप के इंतजाम कर लिए, लेकिन उसने हमें फिर अपनों के जरिए मारने की कोशिश की। तहसीन पाशा, फौरन महल के कमरों की तलाशी लें और उस बम को तलाश करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुराद अफंदी ऊपर सुल्तान मुअज्जम के साथ हैं। हम अब्दुल हमीद के अकेले होने का इंतजार करेंगे। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई हरकत मत करना। शहजादी, आप इस वक्त तक जाग रही हैं? वालिदा नींद नहीं आ रही, बुरा हाल है। क्या हुआ है नाइमे जान? आइए यहां बैठिए। जब भी हमारी याद आए बुरसा चली आइएगा। वालिदा, हम उम्मीद से है। कभी हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ये कि हमारे और कमालुद्दीन के बच्चे हों, लेकिन अब ये एक डरावना ख्वाब बन चुका है। हमारे बच्चे के बाप ने तो हमसे कभी मोहब्बत नहीं की। प्यारी शहजादी, माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आपको परेशान होने के बजाय खुश होना चाहिए। आपने उस शख्स से शादी की जिससे आप शादी करना चाहती थी। मानते हैं इस शादी से आपको बहुत मायूसी हुई, लेकिन वो बुरे दिन आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दे गए हैं नाइमे। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब क्या होगा वालिदा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले कमालुद्दीन से बात करनी चाहिए। बेशक वो एक अच्छे शौहर नहीं बन पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक अच्छे बाप भी नहीं बन सकते। एक दिन शायद वो तसव्वुर से भी अच्छे साबित हो। कोई आ रहा है। कोई होशियारी की तो गोली चला दूंगा। गाजी उस्मान पाशा का बहुत अफसोस हुआ हमें। यह नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उस्मान पाशा को जब आपने हमारे पास भेजा तो बहुत खुशी हुई हमें, क्योंकि सालों बाद एक बहादुर मुजाहिद से मुलाकात करने का मौका मिला था हमें। आ जाएं। क्या कुछ मिला पाशा? सूरत हाल क्या है? सुल्तान मासम, इस कमरे के नीचे एक मशीनरी थी। वहां 1900 को जमा किया गया था जो तहाइफ की सूरत में महल लाए गए थे। अगर मुराद अफंदी बर वक्त हमें मुत्तला ना करते तो दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। माफ कीजिएगा, जब सुना कि आप पारवुस के साथ गए हैं तो बड़ी तशवीश हुई। यूं लगा कि आप भी उनके साथ मिल गए। हमने अपने भाई मुराद अफंदी और उस्मान पाशा के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया था। जब इन्होंने तखनशीनी वाली धुन बजाई तो
हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमारे भाई ने उस्मान पाशा को हमारे पास भेजा। इन्होंने सभा तीन को कायल किया कि वो पारवुस का पता हमें आकर बता दे, और फिर ऐसा ही हुआ। मैं बहुत खुश हूं मेरे सुल्तान, आपके भाई मुराद अफंदी आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुल्तान, जो अफसरान तहाइफ लेकर महल आए थे उनके लिए क्या हुक्म है? उन्हें मुलाजमत से फारिग कर दें और मुकम्मल तफ्तीश करें, मालूम करें कि वो और क्या जानते हैं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अब हम पारवुस से मिलेंगे। आज रात हम आपसे बहुत बातें करेंगे भाईजान। हम नहीं चाहते थे कि हम जिरान महल को छोड़कर जाएं और आपको परेशान करें। मेरे सुल्तान, क्या आपको लगा कि हम उनके साथ मिले हुए हैं? हमने पहले आपको उनका साथ देते हुए देखा है। जब माजी में एक बार ऐसा हो सकता है तो फिर मुस्तकबिल में भी इसका इम्कान है। जिन हालात का हमें सामना है उनकी वजह से शक करना पड़ता है। हमारी रियासत जिन चीजों की वजह से कायम है उनमें से एक आपका शक है मेरे सुल्तान। क्राउली ये मंसूबा मुकम्मल करेगा, वो आपको समझाएगा कि आगे क्या करना है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं जीत गया, मार डाला है मैंने तुम्हें।